अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान गौर है एंड आई एम कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज इन्फेंटाइल कॉलिक। हर बच्चा नॉर्मली भी पैदाइश के बाद रोता है, सो तकरीबन हर बच्चा 1 से 2 घंटे डेली रो सकता है, विच इज नॉर्मल फॉर अ न्यू बॉर्न। लेकिन अगर कोई बच्चा इतना रोए कि माँ बाप से संभाला ना जाए और इतना रोए कोई एपिसोड बार बार हो, तो ये आपके बच्चे को कॉलिक का इशू भी हो सकता है, जिसको हम आम जुबान में पेट का मरोड़ कहते हैं। इस दौरान में बच्चे का रंग भी पिंक हो सकता है, डार्क हो सकता है, और उसके अलावा बच्चा इकट्ठा हो सकता है, उसकी फिस्टिंग हो सकती है, टांगे वो पेट के साथ लगा सकता है और उसके साथ उसका पेट भी सख्त हो सकता है। अगर आपका बच्चा डेली 3 घंटे से ज़्यादा रो रहा है, स्पेशली रात के टाइम या शाम के वक्त, और ऐसा हफ्ते में 3 बार या उससे ज़्यादा बार होता है और मुसलसल 1 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इट इज़ नथिंग बट इन्फेंटाइल कॉलिक। कॉलिक के अलावा बच्चों के रोने के और क्या कॉजेज यानी वजूहात हो सकती हैं? पहले तो एक डॉक्टर ने ये देखना होता है कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है और हम उसको एज कॉलिक ट्रीट करते रहें। तो पहले ये देखना होता है कि बच्चे को बुखार तो नहीं, बच्चे को साथ उल्टियाँ मोशंस तो नहीं, या बच्चे को कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं जिसको हम कॉलिक समझ के ट्रीट कर रहे हों। सो अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जैसे कान का इन्फेक्शन है, वो भी बच्चे को रुला सकता है। और इसी तरह अगर ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या कोई खुदा ना खास्ता गर्दन तोड़ बुखार है, उसमें भी बच्चा बहुत ज़्यादा रो सकता है। सो रूटीन में रोना और चीज़ है, और एक न्यू एपिसोड का रोना वो कॉलिक नहीं होता। अगर कोई बच्चा न्यू एपिसोड के साथ आ रहा है तो बाकी वजूहात देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो बच्चा रो सकता है उसमें नॉर्मल कॉजेज में, अगर उसके डायपर चेंज का टाइम है तो वो भी एक रीज़न हो सकती है, अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। तो हम पहले तमाम बीमारियों को देखते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं बच्चे को, और अगर कोई बीमारी नहीं, बच्चा एक्टिव अलर्ट है और उसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है, तो हम तब इसको कॉलिक का नाम देते हैं। ये देखा गया है कि जो माएँ हमल के दौरान स्ट्रेसफुल रहती हैं, जिनको एंग्जाइटी होती है या जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, उनके बच्चों को कॉलिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो माएँ निकोटीन वाली चीज़ें लेती हैं या स्मोकिंग करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके बच्चों में भी कॉलिक यानी पेट का मरोड़ ज़्यादा हो सकता है। क्या कॉलिक के लिए किसी किस्म के लेबोरेटरी टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने पहले दूसरी तमाम बीमारियों को देख लेना है जिसकी वजह से बच्चा कोई ऐसी कॉज ना हो जो कि हम मिस कर रहे हों, या बच्चे होने की कोई ऐसी रीज़न है जो कि कॉलिक के अलावा हो। अगर कोई ऐसी रीज़न नहीं मिलती तो कॉलिक का मर्ज रह जाता है। इसके लिए किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ प्योरली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। कॉलिक का जो मर्ज है वो 2 हफ्ते की उम्र से स्टार्ट होता है और 3.5 से 4 माह की उम्र तक रह सकता है, और इसकी जो पीक आती है, बीमारी की पीक आती है जब ये मैक्सिमम गैस मरोड़ और रोने वाला इशू होता है, वो 6 वीक यानी तकरीबन 1.5 माह की उम्र है। कॉलिक के इलाज में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो पेरेंटल एजुकेशन है, माँ बाप की तालीम है। उनको ये समझाना ज़रूरी है कि कॉलिक कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे बच्चे को किसी किस्म का ख़तरा हो। 2 हफ्ते की उम्र से 4 माह की उम्र तक ये रह सकता है, और इसके लिए पेरेंटल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ बाप की आपस में हार्मनी क्या है, वो बच्चे के रोने धोने को किस तरह इजीली मैनेज कर सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसी तरह बाकी फैमिली मेम्बर्स का भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चा अगर 2-3 घंटे रोता रहे तो उसको देखना बहुत मुश्किल होता है। सो पेरेंट्स की एजुकेशन इस जमाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसे मैनूवर्स हैं जिसमें बच्चे के रोने के अमल को हम कुछ मैनूवर्स करके कम कर सकते हैं। जैसे हम अगर लाइट वाला रूम है तो बच्चे को एक डार्क रूम में ले जाएं, साउंड स्टिमुलस यानी आवाज़ का शोर कम से कम हो, बच्चे को आप उठा के कडल कर सकते हैं, या बच्चे को उल्टा करके उसकी टांगें पेट के साथ लगा के उसका बैक का मसाज कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई पैसिफायर यानी चूसनी का इस्तेमाल जो कि साफ़ सुथरी हो वो वक्ती तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलिक के इलाज में प्रोबायोटिक्स का एक इमर्जिंग रोल है। कुछ प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो कि बच्चे को दी जाएं तो उनके कॉलिक का इशू बेहतर होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारी हर्बल मेडिसन अवेलेबल हैं जो कि आपको सिर्फ अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ हैं जिनके कुछ ना कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो एक तो खुद से दवाई यूज़ मत कीजिए, और दूसरा अगर कोई दवाई यूज़ करनी है तो डॉक्टर से प्रॉपर डोज पूछ के और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को जहन में रख के आपने वो बच्चे को देनी है।